हूँ और मैं इस फिल्म के निर्देशक जो पवन पांडे जी हैं उनको अपनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आजकल अभी तो जैसे कि मेरे शोज़ वगैरह तो चलते ही रहते हैं, प्लस जो मैंने भोजपुरी फिल्म्स किए थे तीन फिल्मों के सॉन्ग्स बाकी है जो अभी 23 तारीख से हम लोग शूट पे जाने वाले हैं। हर हर महादेव की शूटिंग 23 तारीख से करेंगे और तू ही तो मेरी जान है राधा, ये सब सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी फिल्मों का थोड़ा सा पोर्शंस कह सकते हैं, बाकी है उसका शूट्स वगैरह है वो करने वाले हैं। जब से मैंने ये न्यूज़ सुना है ना, सच में मेरा मन इतना दुखी हो गया है कि समझ में नहीं आता कि इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं लोग। माना कि हालात ऐसे हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो आप अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए। और मैंने सुना है कि अंजलि बहुत ही ऐसी कमज़ोर लड़की बिल्कुल थी नहीं, लेकिन शायद कुछ कारण हो। अभिषेक पांडे मेरा नाम है। किस तरह की फिल्म में म्यूजिक दी गई है, कितने गाने हैं, क्या? इसमें 3-4 गाने हैं और बहुत ज़्यादा गाने की कोई ऐसा नहीं है, चूँकि थीम ऐसा है फिल्म का, बहुत ज़्यादा गाने नहीं है इसमें, लेकिन कुछ थीम बेस्ड जो गाने जैसे आइटम है और कुछ सेट थीम है तो उस पर गाने हैं। जी स्पेशल सॉन्ग है, स्पेशल सॉन्ग कुछ ऐसा नहीं है। ये वही गैंगवार है, गैंगवार आजकल के बहुत रियलिस्टिक जो मूवी बन रहे हैं चल रहे हैं तो उसी के जैसा ये भी एक मूवी है रेडलाइन। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिल्म के बारे में बोलूँगा कि मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि मैं एज ए गेस्ट आया हूँ, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है मैं कर रहा हूँ, तो पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इस फिल्म के निर्देशक पवन पांडे जी को, क्योंकि पवन पांडे जी के साथ मैंने पहली फिल्म रणनीति की थी हिंदी जो पिछले वर्ष रिलीज हुई थी, तो उसी में अब देखते हैं अभी कास्टिंग चल रही है तो आगे देखते हैं। और बहुत बहुत बधाई हमारे निर्माताओं को, जो नए निर्माता उभरते हुए लोग हैं वो कर रहे हैं, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अभिषेक पांडे जी, इन सबको बधाई हो। और युवा वर्ग जुड़ रही है और एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ तक पांडे जी ने बताया कि रेडलाइन जो है, रेडलाइन एक आर पार की कहानी है, मतलब उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल, और जहाँ तक कि आप पोस्टर देख सकते हैं कि इधर मंदिर है इधर मस्जिद है, तो जो मुद्दे चल रहे हैं उसको एक ऑफ बीट सिनेमा और जो आजकल का एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है उस हिसाब से इनका सिनेमा रहता है। जहाँ तक मैंने रणनीति की थी तो उनका फ्लेवर जानता हूँ, तो हमेशा से ही एक जोनर रहा है इनका बनाने का, तो अच्छा सिनेमा बनाते हैं। और मैं अपने गाने के बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि डायरेक्टर साहब मेरे साथ में हैं। मेरा जो ट्रैक है एक सिचुएशनल सैड सॉन्ग है। जहाँ तक फिल्म का सवाल है, फिल्म एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे बनी है तो उसमें कोई सिचुएशन आई होगी। म्यूजिक का ज़्यादा स्कोप वैसे नहीं होता ऐसी फिल्मों में, लेकिन आपने गाने डाले हैं उसमें और फिल्म को ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाया है ताकि दर्शकों को और मज़ा आए देखने में और गाना सुनने में। और इन्होंने मुझे इस गाने के लिए बुलाया तो मैं इनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और आगे भी फ्यूचर में काम करेंगे इंशाल्लाह। सर किस तरह की मूवी है? सर ये पॉलिटिकल बेस पर, पॉलिटिकल गैंगवार है ये। इसके पहले मैं मूवी बना चुका हूँ जो रणनीति है मेरी, ऐसे ही बेस्ड है क्योंकि जोनर मेरा वही है, जैसे अनुराग जी का जोनर है मेरा जोनर है, वो सेम जोनर है। स्टार कास्ट में राहुल अंजना है जो FTI से है और ये इसकी तीसरी मूवी होगी। हीरोइन एक फाइनल है, साउथ की है वो, काजल करके नई है। इंट्रोड्यूसिंग टाइटल की बात करें, रेड लाइन मतलब क्या सोच का आपने टाइटल रखा और क्या बेस है? मतलब रेड लाइन वैसे लोग सोच रहे हैं लाल लकीर, तो ये एक जैसे एक लकीर खींच दी थी उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटने के लिए, वैसे आज समाज में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको लेके हमने ताना बना बुना है इसका। तो क्या बेस पर रहेगी पिक्चर, मतलब क्या मैसेज? अभी बताया सर मैंने कि वो जो आपका बेस है वो पॉलिटिकल होगा, इंक्वायरी है। साहिद जी को क्यों चुना अपने गाने के लिए कुछ खास? सर साहिद जी के गाने मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ, इन्होंने धमाल मचा दिया था और इनके गाने मेरे कानों में गूंजते थे कभी कभी, तो जब ये डिसाइड हुआ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोल है तो लगता है कि ये वॉइस होनी चाहिए, किसकी वॉइस होनी चाहिए, मैच करते आदमी, तो दिमाग पे आया तो मैंने इनको कॉल किया और एक्सेप्ट किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा इनका, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हाँ एक बार मैं इन्होंने सुना। कौन सा गाना है जो आप गा रहे हैं? वो गाने की लाइनें मैंने अभी गाया थी लेकिन अभी कि जैसे आज जो कुछ भी मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, जो कुछ भी चल रहा है,
तो उसको देखते हुए ऐसा लगा कि हाँ कुछ ऐसी कुछ ऐसा मैसेज देना चाहिए जो हमारी पिक्चर से लोगों तक पहुँचे। तो किस तरीके का सोशल मैसेज? तो उसमें मैसेज यही है कि जो भी लोग अगर आज लोगों के साथ हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं कि जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियाँ हो रही है, तो ये मैसेज में हम क्लियर करेंगे कि लोग नेताओं के पास या कैसा पॉलिटिक्स चल रहा है, तो वो हम इसमें बताएंगे। तीन-तीन प्रोड्यूसर हैं इसमें, क्या कहना चाहेंगे? तीनों प्रोड्यूसर, एक फिल्म में एक प्रोड्यूसर है, तीन-तीन है के बारे में जी काफी है। बोल देंगे सर, बोल देंगे। दो बैनर है हमने पहली फिल्म, इसलिए तीन-तीन प्रोड्यूसर रखे हम लोग। क्या बोले, क्या यूपी बेस्ड मूवी है? जी जी यूपी बेस्ड, जो आजकल यूपी में चल रहा है, आजकल चला था, पहले चल रहा था, जो आजकल चल रहा है योगी सरकार। तो किसमें क्या योगी के बारे में कुछ? नहीं, योगी जी के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी तो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर, सब सही चल रहा है वहाँ पर। कुछ है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो वो तो कोई, उनका तो कोई बेस ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है, बाकी तो सब सही चल रहा है। शूट कहाँ कब किया जाएगा ये? शूट मध्य प्रदेश में किया जाएगा, बरसात बाद ये शूट शुरू होगा, तो उसके लिए मिनिमम फिर भी 8 मंथ्स हमारे को टाइम लगेगा।